नमस्कार जमाता दी। और आज हमारे इस ब्लॉग में हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छे गायक और कमाल के सिंगर अवनीश भाई, अवनीश बाबू भाई। तो बाबू तो खुद ही लगा लेते हैं, तो भाई बाद में बाबू भैया वाला फीलिंग आता है। और एक उधर नेपाली है, सॉरी चाइनीज। हाय करो। हेलो नमस्ते सबको। बस और इधर बहुत ही अच्छे राइटर साई प्रकाश भाई हैं, जो अवनीश भाई को बहुत सारे हिट गाने दिए, तू हंस के बोल रहे जान से लेके और कौन सा था वो काला काला काजल, बहुत सारे गाने शूट करिए। वाह, तो अभी सब लोग एक पास जुड़े हुए हैं, तो अवनीश भाई अभी तू हंस के बोल रहे जान गाएंगे लाइव। दो लाइन सुनाई नहीं, सेटिंग करा के जाएंगे। बोललू ये जान दिलवा के दर्द बढ़ी गईल, तू हंसी के बोललू ये जान दिलवा के दर्द बढ़ी गईल। तोहरा प्यार में पागल, तोहरा प्यार में पागल, ई दीवाना हो गईल, तू हंसी के बोललू ये जान दिलवा के दर्द बढ़ी गईल। इस पिछले साल के लगन में और अभी तक ये गाना बहुत ज्यादा बज रहा है, तो एक अवार्ड तो भाई को भी मिलना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अरेंज करवा रहे हैं। और नहीं नहीं, बेसिकली अवार्ड अवार्ड तो खैर मिलता है, लेकिन कोई नहीं, पब्लिक ने मेन अवार्ड तो पब्लिक से आता है। सो बहुत कमाल कमाल के, हमको लग रहा है पिछले साल सबसे ज्यादा बजने वाले सिंगरों में ये रहे हैं। और अभी बहुत सारे गाने बन रहे हैं जो शायद आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो इस गाने के बारे में तू हंस के बोल रहे जान राइटर हैं ये साई प्रकाश भाई। नमस्कार। तो दो लाइन बताइए, ये कैसे सोचे थे, क्या सोचे थे? ये मैं लॉकडाउन में बैठा था घर पे, तो कहे कि कुछ किया जाए भोजपुरी के लिए, हम कह चलिए कुछ की करते हैं। तो हम सो रहे थे, तो उस समय हम ऐसे हिंदी गाना कोई सुन रहे थे, तो सुनते सुनते दिमाग में ख्याल आया कि मतलब ऐसे किया जाए कि मतलब देखते हैं क्या होता है। लोग की फीलिंग को मैंने समझा और फिर गाना लिखा तू हंस के बोल रहे जान। और सुनने के बाद पहले हम अपने दोस्तों को सुनाए, फिर उन सब को भी अच्छा लगा, तो फिर हम अवनीश भैया के पास गए, ये कहे कि हमारे लिए बहुत बढ़िया गाना है, फिर इसको म्यूजिक बना और मार्केट में जाएगा। इस पूरी टीम का मेन उद्देश्य है साफ सुथरे गाने और अच्छी चीज़ है जो आप सब सुनते हैं, और यही कारण है कि अवनीश भाई को मैं खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अभी तक जो भी गाने गाए हैं अच्छे गाए हैं और कमाल के गाए हैं, हम कहीं भी फैमिली में सुन सकते हैं, हर जगह सुन सकते हैं, और कोशिश हमारी यही रहती है। तो हम जैसा करेंगे भोजपुरी में वैसा ही हमको रिटर्न मिलेगा, तो आगे भी यही कोशिश जारी है। और अभी बहुत सारे गाने आ रहे हैं, एक चश्मीस तुम ये भी साथ में कुछ गाने गाई हैं, बहुत सारे डुएट। ऐसे पापी लोग होते हैं जो धरती पे पाप करते हैं, मतलब जितने लोगों को चश्मा लगे सब पाप है। नहीं नहीं, लड़कियों लड़कियां जो चश्मा लगाती हैं वो पापी होती हैं। फेंक फेंक के मारेंगे मुंह पे अगर ऐसा होता, जितने लोग चश्मा लगाते हैं पाप है वो, कुछ भी फेंक दो। नहीं, चश्मा जो लगाते हैं दूर तरफ दूर दूर के वस्तुओं को देखने के लिए लगाते हैं, अंधे क्यों होते हैं? मोबाइल नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। उस तरह उस तरह मेरे घर वाले अगर वीडियो देखे तो सबसे ज्यादा मोबाइल और कंप्यूटर मैं देखता था, तो उस तरह तो नहीं नहीं, उस तरह तो मैं अंधा हो जाता। नहीं, ये कोई नहीं है, अब खान पान पे शुरू से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आंखें तो कमजोर। खुद ही मैगी खा के बड़ा हो गया। हम गांव से आते हैं, हमारे यहाँ मैगी भी कोई जानता नहीं था, हम तो लंदन से आते हैं, हमारा गाँव कहाँ है। तो अभी हम लोग है पटना में, बनारस में हम लोग कुछ रिकॉर्डिंग किए थे कुछ गाने जो अब रिलीज होंगे, अब फिर बनारस जाएंगे भी, अभी फिलहाल पटना में आए हैं, तो पटना में कम से कम 50 गाने पटना हो जाए, टारगेट तो 50 का है, देखते हैं कितना होता है। टॉप 50 का टारगेट है, अब देख लेते हैं, रिकॉर्ड तोड़ना है। तो इस बार भी कुछ बेहतरीन गाने आ रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। जय माता दी। थर्ड वेव से पहले हम लोग जय हो, ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए पूरी टीम पे। ओके।
जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, भूलिएगा मत। दो बार करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। दो बार सब्सक्राइब करें। लव यू।